नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पक्ष विपक्ष लेकर आपके साथ। मैं हूं पूजा कविया गोमा। महाराष्ट्र विधानसभा में स्थित शिवसेना के पार्टी ऑफिस पर एकनाथ शिंदे कैंप को अधिकार मिल गया है। इसी बीच स्पीकर राहुल नार्वेकर से शिवसेना के नेताओं ने मुलाकात की है। चीफ वे भरत स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचे। उधर शिवसेना के विधान भवन वाले दफ्तर पर कब्जा मिलने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे दफ्तर पहुंचे, जबकि छत्रपति शिवाजी की मूर्ति पर माला भी चढ़ाई। शिवसेना के नाम और निशान दोनों पर कब्जा होने के बाद सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना पार्टी कार्यालय को शिंदे गुट ने अपने कब्जे में ले लिया है। पहले इस कार्यालय पर उद्धव ठाकरे गुट का कंट्रोल था, यहां लगे बोर्ड और बैनर हटा दिए गए हैं। इसके बाद भरत गोकावले ने विधायकों के साथ इस कार्यकाल को अपने कंट्रोल में ले लिया और कहा कि अब शिवसेना हमारी पार्टी है, अब से हम अन्य कार्यालयों को लेने के लिए कानूनी प्रयास करेंगे। उधर उद्धव ठाकरे ने फिर से नई शुरुआत करने की बात कही। उनका कहना है कि जून 1966 में जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी, वो उसी तरह से अपनी शिवसेना की शुरुआत करेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी उन्हें नई शुरुआत की सलाह दी है, लेकिन सच तो ये है कि उद्धव ठाकरे के लिए आगे की सियासी राह बहुत कठिन होने वाली है। अब महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव क्या करेंगे, इस पर सभी की नजर है। दरअसल एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना में अंदरूनी फूट आ गई थी। तब से महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे गुट और ठाकरे गुट नाम के दो गुट यानी कि दो धड़ों में बट चुके थे। दोनों गुटों की ओर से कई दावे किए गए। इसके अलावा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा। वहां से ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक अब जा पहुंची है और वहां से मामला कई भागों में अब बट गया है। इसी क्रम में शुक्रवार यानी कि 17 फरवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह तीर धनुष दोनों ही शिंदे गुट को सौंप दिए। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो महाराष्ट्र की सियासत में किस तरह से उथल पुथल देखने को मिल रही है और अब ये जो लड़ाई है वो दरअसल सड़कों पर आ पहुंच गई है। सड़कों पर ये संग्राम अब देखने को मिल रहा है क्योंकि दफ्तर को लेकर भी अब दोनों गुट आमने सामने हैं और इस पर अब लगातार ये अधिकार जमाने की कोशिश की जा रही है, अपना जो अधिकार है वो जमाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जो भूचाल आया है उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत आने वाले दिनों में क्या नया रूप लेती हुई नजर आएगी। चलिए इसी पर आज का हमारा पक्ष विपक्ष और चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का परिचय हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विजय खेरा जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ शिवसेना की तरफ से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत कार्यक्रम में। डॉक्टर अरुणेश यादव जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ऋतुराज नेता शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा शिंदे गुट की तरफ से जुड़ चुके हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल आप ही से संजय द्विवेदी जी, जिस तरह से आयोग की तरफ से फैसला ले लिया गया, आप सुप्रीम कोर्ट आप जाने का रुख करने वाले हैं, लेकिन ये जो नई सियासत है, ये नई सियासत आपको क्या लग रही है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? संजय जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? शायद पैच नहीं किया गया हमको, पैच नहीं किया गया पैच। चलिए फिर से आपसे जुड़ेंगे, आवाज आ रही है मुझे लेकिन आपकी। संजय जी अगर आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं तो आप जवाब दे सकते हैं। शायद आवाज नहीं पहुंच रही अभी उन तक, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी जो है मामला इसी तरह से फंसा हुआ है, इसी तरह की पेचीदगियां आ रही हैं, कई बार आवाज जो है नहीं पहुंच पा रही और जब आवाज मिल रही है तो बहुत देरी इस वक्त नजर आ रही है शिवसेना के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ जा रही है, बड़ा आरोप बीजेपी पर यहां पर विजय खेरा जी लगता हुआ नजर आ रहा है। खरीद लिया गया है, न्याय को भी खरीद लिया है, चुनाव चिन्ह को भी खरीद लिया है, सबको खरीद लिया है, ये आरोप आप पर लगा है, 2000 करोड़ रुपए बोली लगी है। उनके पास अगर कुछ भी होता तो अब तक वो दिखा चुके होते, यहाँ पैसे दिए, इसने पैसे दिए, इसको पैसे दिए, कहाँ रुपया आया, कुछ नहीं। ये सब हवाई बातें राजनीति में ज्यादा दिन टिकती नहीं है। और संजय राउत का जहाँ तक सवाल है, उनकी
देश में राजनीतिक प्रतिष्ठा बहुत कम है, ना के बराबर है, ना वो चुनाव लड़ पाते हैं, कोई ना जीत पाते हैं, सिवाय इसके बड़बोलेपन के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। सच कहें तो जो काम कांग्रेस में अब समय सभा नहीं है लेकिन फिर भी जो हुआ वो सामने है, दिग्गी राजा एंड कंपनी ने किया था, वही काम यहाँ पर संजय राउत एंड कंपनी ने कर दिया। आपने देखा किस तरह से उन्होंने जिद में सिंधिया जी को अलग किया था एक राज्यसभा सीट के लिए और कांग्रेस को दिग्विजय सिंह ने चौपट करवा दिया मध्य प्रदेश में। यही हाल यहाँ पर हुआ, संजय राउत की जिद ने कभी कंगना राउत की बेइज्जती करना, कभी पत्रकार की बेइज्जती करना, कभी वो भारत वाले रिपब्लिक वालों को बंद करना, ये सब कारोबार में मत थे, इन लोगों राजनीति से आती नहीं थी। उद्धव ठाकरे नौसिखिए थे। अभी भी देखिए जो फैसला हुआ है उसमें शरद पवार जी इतने मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, इनकी लगभग सभी लोग इज्जत करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब सम्मान पूर्वक जो निर्णय आया है अब इसमें चुप बैठिए, बोलने से क्या होता है, बेकार है, आपको नहीं मिला चुनाव चिन्ह तो दुखी मत होइए, कांग्रेस को नहीं मिला था तो पंजे से लड़ी थी, आखिर शरद पवार ने उदाहरण दिया और कांग्रेस द्वारा शक्ति में आई और खूब सरकारें चलाई कांग्रेस ने उसके बावजूद भी, तो अभी सलाह दे हैं तो उनकी सलाह उनको मानना नहीं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हार गए हैं, दीजिए ऑफिस वगैरह, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलता है आपको सुनवाई होती है तो रखिए अपने पास, आगे की रणनीति तैयार कर ली, ऑफिस भी दीजिए, बाकी चीजें भी दीजिए, हल्ला बोल के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं। वो जीत गए तो मांगेंगे। अगर संजय द्विवेदी जी, इस जीत का आभास शायद नहीं था और इसी वजह से आज हालात सड़कों पर संग्राम के उतर आए हैं, ऑफिस तक लेने की बात अब की जा रही है। वैसे में शिवसेना अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, वो अस्तित्व कहीं धूमिल होता हुआ नजर आ रहा, अधर में अटकता हुआ नजर आ रहा है, क्या स्थिति इस वक्त आपको नजर आ रही है? आवाज आ गई है, बोलिए सर, सवाल पूछा मैंने। संजय जी, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, बहुत स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, अभी लग रहा है आप देश का इतिहास देख लीजिए, सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने अलग हुई थी, ये इतिहास आप देख लीजिए शुरू से लेके अभी तक कि विधायकों को लेके किसी पार्टी का सिंबल और पार्टी ने दान दे दी गई। मैं चुनाव में कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन चुनाव भी मजबूर है, जैसे सीबीआई मजबूर है, ईडी मजबूर है, उसी तरह हमारी चुनाव भी मजबूर है, मैं कोई आरोप नहीं। आयोग आयोग तो अपना अलग काम करता है ना, आयोग किसी के हस्तक्षेप में तो रहता नहीं है, आयोग कैसे सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे रहेगा? हाँ, बात सुन लीजिए पूजा जी, आयोग में क्या होता है, मैं अगर कोई पार्टी बनाना चाह रहा हूँ तो पहले मैं आयोग में जाऊंगा, वो हमको चुनाव से लेगा, हम चुनाव लड़ेंगे, अगर उसे परसेंटेज वोट हमारे आए उससे संविधान होगा, एक बार उसके परसेंटेज वोट अगर हमारे आते हैं तो हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे राजनीतिक पार्टी में, जैसे शिवसेना रजिस्टर्ड है, बाकी पार्टियां रजिस्टर्ड है, हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब हम लोग हमको ये भी फॉर्म देने का अधिकार होगा और हमारे पूरे महाराष्ट्र में पूरे जहां जहां राष्ट्रीय पार्टी नहीं है तो महाराष्ट्र में हम चुनाव चिन्ह देंगे और चुनाव लड़वाएंगे। अब आइए इसके बाद हमने 2018 में मतदाता हमारे पक्ष मुर्मू जी का वहां पर चुनाव हुआ था, पूरी कारवाई हमारी बैठी थी, हाथ उठा के हुआ और वो कागज तो रिसीव कराया गया, अप्रैल 2018 में रिसीव करा दिए गए, वीडियो भी रिसीव करा दिया गया। आज अगर पार्टी के अगर पार्टी से विधायक नाराज होते हैं, ये पहले होता था 2014 पहले, लेकिन 2014 के बाद आपको वो पार्टी से विधायक नाराज होते हैं तो उनको पार्टी चुनौती दे देती है, लेकिन जो पहले प्रधानमंत्री थे या पहले जो सरकारें थी उन्होंने दर बदल कानून बनाया, शेड्यूल बनाया, आप किसी से पूछिए फिर शेड्यूल को किसने बनाया गया? अगर पार्टी में कोई डिसेक्शन हो रहा है भाई जरूरी नहीं आज के समय में ये सब संजय द्विवेदी जी देखिए ये सब आंकड़ों के मुताबिक किया गया है, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, आपके विधायक कितने हैं, ये आंकड़ों की जादूगरी आप इसको कह रहे हैं कि आंकड़ों में तो किसी तरह की सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। अरे पूजा जी यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, अरे अगर संविधान से पार्टी का बनता है चुनाव आयोग में तो संविधान से पार्टी चलती है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव संविधान से होता है ना, मुझे बता दीजिए किसी भी पार्टी को हिंदुस्तान की कोई पार्टी ऐसी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जिन्होंने जेपी नड्डा जी को साल भर के लिए बढ़ा दिया किसी चीज नहीं, ये इनकी पार्टी अलग है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। ऋतुराज से सवाल, यहाँ ऋतुराज जी देखिए, ऋतुराज जी सीधा सा आरोप, सब कुछ आपने जिस तरह से किया अब आप ही पर आरोप लग रहा है कि पहले फूट डाली गई, तोड़ा गया, खरीद फरोख तक की गई, अब उसका खामियाजा ये कि शिवसेना जो असली शिवसेना है जिसका दावा
सिर्फ ठाकरे परिवार किया करता था वो किसी और के हाथ में चली गई। अब इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने तक की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल तो आप खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है और जो लोग हारते हैं वो अक्सर आरोप लगाते हैं, क्योंकि और मैं यही कहूंगा कि इनको शायद जो उद्धव जी का गुट है उन्हें अभी भी सोचना चाहिए कि जो हार हुई है वो उसे एक्सेप्ट करें। इस तरीके से आरोप लगाने से या हंगामा करने से वो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जहां तक द्विवेदी जी कह रहे थे कि संविधान में ये है, संविधान में वो है, तो जो चीजें हुई है वो संविधान के अकॉर्डिंग हुई है। उद्धव जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट संविधान को अच्छे तरीके से समझता भी है और उसी हिसाब से फैसला भी लेता है। तो आने वाले टाइम में ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, ये संविधान के उद्धव जी माननीय बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को नहीं संभाल पाए, ना वो पार्टी को संभाल पाए, ना उनकी विचारधारा को संभाल पाए। सिर्फ विधायक कैंपेन तो आपने संभालने नहीं दिया ना, आपने तो उसमें फूट पैदा कर दी। ये आरोप लग रहा है आप पर पहले से ही। नहीं नहीं, देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है जैसे मैंने कहा, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि अगर वो लेगेसी नहीं संभाल पाए, वो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए, तो उसकी दूसरे पे आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं है। और कोई भी पार्टी परिवार से नहीं बनती, ये कांग्रेस नहीं है कि जो पांच एफिडेविट हमने दी है। अगर पार्टी में लोगों को शिवसेना पे उद्धव ठाकरे पे भरोसा ना होता तो 23 लाख सदस्यों को लिस्ट क्यों देते? आप कितनी दे पाए? और पांच लाख हमने एफिडेविट दी है। द्विवेदी जी, आपने जितने जितने एफिडेविट दिए हैं, जितने आपने डॉक्यूमेंट पेश करे हैं, वो चुनाव आयोग ने भी देखे होंगे। आप कहे की आपने इतने करे हैं, हमने उतने करे हैं, तो ये आयोग में रखने की आवश्यकता थी। लेकिन डॉक्टर रुनेश, जिस तरह की सियासत इस वक्त चल रही है, ठीक है ठीक है, डॉक्टर रुनेश अरुणेश जी के पास चलेंगे। सीधा सा सवाल ये है, इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी चल रहा है उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि अब जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही थी, क्या आपको लग रहा है वो वर्चस्व की लड़ाई जो है खत्म हो गई है और सिर्फ एक तरह से शिवसेना के नाम पर अब सिर्फ और सिर्फ शिंदे गुट नजर आएगा, वही नजर आएगा, उन्हीं का चेहरा नजर आएगा? देखिए, इसमें दो बातें हैं वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो मेरी अपनी राजनीतिक समझ है। पहली बात तो ये है कि जो हमारे शिंदे गुट के साथी कह रहे थे कि हार और जीत हुई, तो यहाँ हार और जीत नहीं है। हार और जीत वहां होती है जहां ईमानदारी से लड़ा जाए। ये ताम दाम दंड भेद नीति और छल के साथ ये काम किया गया, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, इससे शिंदे गुट को सिंबल भी मिला और पार्टी का जो भी चीजें थी वो सारी उनके पास आई। तो आयोग ने दिया है ना, दूसरी बात पे मैं आ रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि कहीं भी कोई भी चीज राजनीति में खासतौर पे खत्म नहीं होती है, निरंतर संघर्ष चलता रहता है। और राजनीति या पार्टी जो होती है वो नाम से नहीं बनती, जैसा कि हमारे बीजेपी के साथ ही कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के साथ भी ऐसे हो चुका है। हमें अपना जो मूलभूत जो हमारा सिंबल था वो सिंबल चेंज हुआ और पंजे सिंबल के साथ हम आए, और पंजा सिंबल ही अब कांग्रेस की पहचान है। किसी भी पार्टी की जो पहचान है वो लोगों से होती है, विचारधारा से होती है। पार्टी के साथ जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता होते हैं, समर्पित कार्यकर्ता होते हैं, उनके विचारधारा ही छोड़ी गई। कोई भी पार्टी होती है वो विचारधारा से ही होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ, और मैं यही कह रहा हूँ कि जब विचारधारा ही छोड़ दी गई तो उस विचारधारा के साथ ही पार्टी और कार्यकर्ता थे। देखिए, जब विचारधारा नहीं हुई तो कौन सी बात कह रहे हैं, कौन सी विचारधारा छोड़ी गई, कौन सी विचारधारा पकड़ी गई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, जब एआईडीएमके के साथ तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार बन सकती है, फिर बाद में जो जयललिता जी की पार्टी है उसके दो टुकड़े कर दिए गए, तो ऐसा नहीं है कि विरोधी विचारधारा के व्यक्ति भी
जब राजनीति करते हैं और उन्हें सत्ता चलानी होती है तो कहीं ना कहीं उनके बीच में भी समझौते होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने अपनी धुर विरोधी जो पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी उसके साथ कई बार गठबंधन करके सरकार चलाई है और बिहार के जो हालात है वो आपके सामने। पहले सरकारें चली है, मैं मना नहीं कर रहा कि सरकारें नहीं चली, लेकिन समझौते करके जो सरकारें चलती है उसका नुकसान उसका खामियाजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ता है। मुझे यहाँ पर कौन नुकसान भुगत रहा है, कौन फायदे में, यहाँ पर कौन नुकसान भुगत रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी है, उनके सहयोगी दल है, उनकी नैतिकता आ जाती है। विजय गिरा जी, बीजेपी पर सबका आरोप लगाया जाता है कि पैसे के दम पर, प्रलोभन के दम पर ये सब किया जाता है, आप ही के दम पर, और सारा चाहे आयोग की बात हो, आयोग को भी विवश कह दिया गया कि उसकी भी अपनी मजबूरी है, इस वजह से इतना बड़ा जो फैसला है वो आया है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि एक वक्त पे दोनों की विचारधारा भी एक समान हुआ करती थी, हिंदुत्व के एजेंडे पर, हिंदुत्व की लड़ाई के लिए दोनों साथ मिलकर लड़ने की बातें किया करते थे। ऐसा लगता है इन लोगों ने चुनाव आयोग का किसी ने दो लाइन भी नहीं पढ़ी, लगता 76 पेज के जजमेंट में कम से कम दो चार ही पेज पढ़ के चले आए होते ये लोग, तो ही बहुत था। उन्होंने ये लिखा है 1971 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आधारित है ये, हमें सुप्रीम कोर्ट से ठेंगा मिलने वाला है क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया है पूरा का पूरा चुनाव आयोग ने के उस समय शाहिद बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो था केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने लिखा था कि हमें ये चीजें देखना है, तो उनसे इनसे मांगी गई थी वो चीजें। आपने संगठन के चुनाव कब कराए तो बता नहीं पाए, 2012 में कराए, 13 साल से। संजय जी अब नए, ठीक है विजय जी बहुत कम इतना मेरे पास समय नहीं है, सभी की प्रतिक्रिया मुझे लेनी है। संजय जी देखिए वहीं पर सवाल घूम फिर कर आ रहा है, क्या नए सिरे से सियासत करने की, नए सिरे से जो है वापस आने की, वापसी करने की आपको आवश्यकता है और वो आप करेंगे? संजय जी प्रमुख चुनाव हुआ था वहाँ जिंदे जी भी थे, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग बनी, अप्रैल 2018 में पार्टी में टूट होती है तो जो दूसरा मेजोरिटी ज्यादा जाते हैं वो अपनी पार्टी बनाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे पार्टी का और चुनाव लड़ेंगे, अगर उनके उसमें विधायक जीत के द्वारा आएंगे तो उनको सिंबल रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टी, संजय जी देखिए सिंबल अब मिल गया है, सिंबल मिल चुका है, नाम मिल चुका है, अब क्या फिर से उद्धव ठाकरे नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करेंगे क्या? क्या वो इस चीज को मान चुके हैं, कबूल चुके हैं कि जिस विरासत को वो संजोए बैठे थे वो विरासत अब उनकी रही नहीं है? मुझे जी मकान जरूर से हम अंधेरे की चुनाव लड़ा, प्यादी जीत हुई, ये बीजेपी वाले भाग गए थे, कम भाग गए, जिंदे ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया, अभी एमएलसी चुनाव हुए वहां भी हम देख लेंगे महाविकास अगाड़ी की थी ना, सिंधर ने प्रत्याशी खड़े किए, क्यों नहीं खड़े किए भाई? देखिए संजय जी ये सब बातें जो हैं अब हो चुकी हैं, क्यों नहीं वहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारा, क्या वजह रही? लेकिन आप मुझे एक सीधी सी बात बताइए, विजय खेरा जी एक मिनट सवाल पूछने दीजिए संजय जी, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। अब बात ऑफिस तक आ पहुंची है, जमीन तक आ पहुंची है, क्या उसके लिए भी तैयार है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है, या फिर अब आपको पता चल गया और आप दे देंगे, क्योंकि जब चुनाव चिन्ह और बाकी सब चीजों का अधिकार उनके पास है तो आपको देना होगा? तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट हमने दाखिला केस का दाखिल कर तो दिया है, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ना, ऐसे कैसे कुछ दे दी जाएगी, तो हवा थोड़ा दे दी जाएगी, मतलब लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आदित्य ठाकरे जी, हर जिलों जिलों में दौरा कर रहे हैं, देखिए फिर कुछ पेट्रोल खोना ला रहे हैं, भीड़ आ रही जिनने भी, कितनी मीडिया कर रहे हैं जितनी भीड़ आ रही है जिनने भी देख रहे हैं। भैया देखिए मैं एक बात राजू पूजा जी, अगर सीआर को शेर खान पहना दोगे तो शेर नहीं हो जाएगा, शेर उद्धव बना तो ठाकरे रहेंगे, जिनसे जिनके साथ पूरी संगठन है, पूरे नेता है, 12 MLC मात्र है, 3 राज्यसभा सदस्य है, सब कुछ हमारे साथ ऐसा नहीं है, ठीक है? आप ओरिजिनल रहेंगे, आप अभी भी ये मान रहे हैं ओरिजिनल आप ही रहेंगे, बस फर्स्ट कॉपी बन जाएंगे, फर्स्ट कॉपी बन के रह जाएंगे। ऋतुराज ओरिजिनल हम ही रहेंगे, अब आने वाला तुम देख लीजिएगा, ओरिजिनल हम ही, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी लड़ाई लड़ लीजिए, मानना ये है कि असली हकदार तो वही रहेंगे, अब ऑफिस की लड़ाई कहाँ तक पहुँचाने वाले हैं? देखिए जब पार्टी सिंबल, पार्टी नाम जो है वो जब हमें मिल चुका है,
तो पार्टी की जो संपत्ति है उसका भी अधिकार जो है वो हमारे पास में। अब मैं इनसे यही कहूंगा कि उद्धव जी जो हैं वो अपनी नई पार्टी बनाए, अपनी लेगेसी बनाए जो उनके फादर ने माननीय बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी, वो प्रूव करें अपने आप को। हम शुभकामनाएं देते हैं इनको कि वो आगे जैसा वो एक अपना रुतबा दबदबा बना सके लोगों के बीच में, उद्धव जी वो अपना दबदबा बनाए और साबित करे कि हाँ वो उस काबिल है। संजय जी, नए सिरे से शुरुआत करने के अब आपको कहा जा रहा है कि शुरुआत कीजिए और फिर से जो है आप एक नई जो है सेना तैयार कीजिए। पूजा जी, लड़ाई हमारी चलती रहेगी, बाकी समाज में, महाराष्ट्र में, पूरे जिलों में हमारे दौरे चलना है, उसमें कोई आप देखिए भीड़ उसमें देख रहे होंगे। लेकिन संजय जी, कभी कल्पना की जा सकती है कि शिवसेना जो है ठाकरे परिवार से इतर नजर आए, इस तरह की कभी कल्पना? नहीं नहीं, ये तो समय बता देगा आपको ना। ये तो देखिए हमने क्या कहा भी, अगर सीआर को सेफ घर बना दे तो सेफ नहीं हो जाएगा। ये भाजपा की जो नीत है ये अगर इनके लिए उल्टी ना पड़े तो मुझसे कहिएगा कि बीएमसी विजय केरा जी ये उल्टी पड़ेगी आप पर। अगर शेर थे शेर नहीं हो जाएगा, एक शेर शिकार करना भी नहीं भूलेगा ना, वो शिकार करेगा, वो घात लगाए बैठा है ऋतुराज, वो घात लगाए बैठा है, शिकार जरूर करेगा। धैर्य और समय को समझिए और उसी के आधार पर आगे जो है पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। ठीक है विजय जी, समय की कमी है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त क्या कुछ कह रही है, लेकिन भविष्य में किस तरह से ठाकरे परिवार के इतर महाराष्ट्र की सियासत हो सकती है, उसके नाम के बिना, उसकी लेगेसी के बिना उसको आगे लेकर कौन जाएगा, ये जरूर देखना होगा। इसके अलावा किस तरह से महाराष्ट्र में अब सत्ता, नाम और अब ऑफिस तक की लड़ाई आगे कहां तक पहुंचेगी वो देखना होगा। फिलहाल के लिए पक्ष विपक्ष में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।